सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है और मुझे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है और अभी बज रहे हैं रात के एक बज गए हैं। मतलब मैं जहां शूट करती हूँ वहां से मुझे घर पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर। अभी मैं डायरेक्ट पहुंचूंगी, शावर लूंगी, पैकिंग नहीं की है, पैकिंग करूंगी, देन मैं भागूंगी एयरपोर्ट के लिए। माई गॉड, तो ये हेक्टिक जर्नी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से है जब आप शूट करते तो कैसे काम करना पड़ता। मेरा पूरा थ्रोट पूरा बैठ गया है ठंड में काम करके, फीवर और उससे। तो कोई नहीं लेकिन मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। घर से सबसे दीदी, माँ, बाबू जी, सबसे मैं मिलूंगी। हेलो, अभी बज रहे हैं घड़ी में 4 और मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ। हेलो, और ये बिल्कुल सोई नहीं है। इसका पैकअप ही 2 बजे हुआ है। नहीं, 1 बजे हुआ था लेकिन मैं घर पहुंची हूँ 2:20 ना। हाँ, पर वही है कि मतलब थोड़ा अगर जल्दी होता पैकअप तो अच्छा होता, क्योंकि इसका कोई पैकिंग नहीं हुआ था आके, उसको ना उसने कोई खाना खाया था, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ इस बात को लेके। थोड़ा समझना चाहिए था कि इसके शूट एटलीस्ट लास्ट डे में इसको थोड़ा सा जल्दी छोड़ते तो अच्छा होता था, क्योंकि इतना मेहनत कर रही है वो और उसने 6 महीने में पहली बार छुट्टी मांगी, वो भी किसी काम के लिए, मतलब ये नहीं कि रिलैक्सेशन के लिए या हॉलीडे के लिए, किसी काम के लिए अर्जेंसी में जाना पड़ रहा है इसको। और उसको बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिला है, उसके वजह से उसकी हेल्थ डिटोरिएट हुई है। उसको जब हॉस्पिटलाइज किया तभी भी इसको छुट्टी नहीं दी, डॉक्टर ने इसको बिल्कुल भी मना किया था और फिर भी उसे नेक्स्ट डे ही उसको बुला लिया। अब मेरी भी ये नहीं थी कि ये जाए, लेकिन इसको भी टेंशन था कि हाँ नहीं, टेलीकास्ट रुकना नहीं चाहिए, बट दिस इज नॉट राइट। और ये देख लो, ये एक्टर्स की लाइफ है। ये बहुत नाराज है मुझसे, ऑफ कोर्स मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या होगा आगे के लाइंस में, कैसे बोलूंगी यार, मेरी आवाज भी तो बैठ गई है। जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैंने भी सीक्रेट रखा है, मैं आपको बताऊंगी दिखाऊंगी। बहुत नाराज है। नाराज नहीं हूँ मैं तो बहुत वरिड हूँ, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी है और अगर आप अपनी हेल्थ को नहीं ध्यान रखोगे तो फिर क्या आप परफॉर्म करोगे, क्या कैसे आप काम करोगे, है ना? तो आपको भी खुद को भी समझना चाहिए और ये जो बना रहे हैं, शो बना रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई ये इतनी मेहनत कर रही है, इसको थोड़ा सा देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। अब 6 महीने से ये नॉन स्टॉप डे नाइट कर रही है, इट इज नॉट गुड। और ऊपर से अकेले जा रही है। चलो मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी लाइन में लगी।
मैं पहुंच गई हूँ, कहाँ पहुंच गई हूँ मुझे नहीं पता, ये सरप्राइज है। लेकिन मैं आज लैंडिंग जल्दी हो गई, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लैंडिंग बहुत जल्दी हो गई, मतलब पता नहीं। मस्त ठंडी है और गला मस्त बैठा हुआ है मेरा। यो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शायद ये जब तक मैं अपलोड करूँगी तब तक मैं शायद वापस मुंबई पहुँच गई रहेंगी। ये देखो मेरा ओवर जैकेट, अंदर में भी मैंने हाईनेक पहना हुआ है, फिर टी शर्ट पहना हुआ है। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। बाइक राइड। मस्त मौसम है, ठंडी, उसके साथ साथ हवा चल रही है, उसके साथ हम बाइक पे बैठे हुए हैं। यस इलाची। ऊपर ऊपर हाँ ऑन है ना, लेफ्ट वाला है। ठीक छो न सबका फोटो ले पहले दीदी दीदी कहा छे दीदी कहाँ गई? उठाए आज तो फोनो नहीं क्यों के सुप्रिया चल रहे आखिरकार पहुंच गए। तो फाइनली पता चल गया मैं हूँ रांची में, और दिन में भी इतनी ठंड है कि आप देखिए अंदर मैंने मोटा सा टी शर्ट पहना है, ऊपर से एकदम बोरा जैसा स्वेटर पहना है, और ये सब हाथ डाल रही है अपने फेस पे। ऐसे ही घूमने निकले हैं, घूमने मतलब ऐसे ही आसपास, घर के आसपास मस्त छोटा सा गांव है सब। जोहार, जय झारखंड। ये है गलियां, रांची की गलियां। ये देखो रांची की गलियां देखो। पता है आपको, दिन मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं और फिर भी इतनी ठंडी है, टेम्परेचर कुछ 12 दिखा रहा है। मैंने सॉक्स भी पहना हुआ है, ये देखो
सॉक्स भी पहना हुआ है, मुझे कान में भी ठंडी लग रही थी, उसके लिए मैंने शॉल भी रखा है, ये देखो शॉल भी रखा है। पिक्चर ले रही क्या? गांव का ही वाला ले, अच्छा लग रहा है। तो हो जाता है फिर, हम पूजा पाठ करते हैं चढ़ाते हैं तो नहीं होगा। चलो वहाँ बन रहा है, ये देखो सब बैठे, कैसा इतनी सर्दी है, सब इधर ही बाग बहुत ज्यादा है। जाने का ठीक है, आएंगे ना फिर आएंगे हम, बात करो ठीक है। बहुत ठंडा है घर में, बहुत ठंडा, नहीं नहीं बहुत ठंडा है। मैं तो छोटा।